मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह ब्लास्ट शहर के टंच रोड स्थित राठौर कॉलोनी निवासी मुंशी राठौर के मकान में हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि इसने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। 5 मकान पूरी तरह से ढह गए। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि मकान में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ है। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। मौके पर पहुंचे SP समीर सौरभ ने बताया कि अभी जांच कर रहे हैं, तथ्य सामने आएंगे तभी कुछ कहा जा सकेगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौर कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं, जिनको अस्पताल में रेफर भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते हैं तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। सर, घटना का क्या कारण समझ में आ रहा है? अभी कोई भी कारण नहीं पता चल पा रहा है क्या है। ऑफिसियल की टीम भी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। प्राइमरी फोकस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, प्राइमरी फिजिक क्या लग रहा है आपको, कैसे ब्लास्ट हुआ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है सर। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि फटाके के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, क्या लगता है कि क्या फटाके बना के रखे? अभी कुछ भी नहीं कहना उचित होगा, बहुत जल्दबाजी होगी और कुछ ऐसे मिलेंगे साक्ष्य तो उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे।